हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ गया हूँ वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट बीच, मोस्ट सेंसेशनल बीच, जहाँ पे ट्रैफिक भसमर मिलेगा। जैसा अपन दूसरे बीचेस पे देखा था, इट्स वाज क्वाइट एम्प्टी, ट्रैफिक कुछ नहीं था, बट यहाँ तो भसमर ट्रैफिक है। और हाँ, फाइनली ये जो बीच है, ये है बागा बीच। ये बागा बीच की एंट्री है, इधर से एंट्री तो क्या है, पार्किंग एरिया है, देखो आप लोग। और बहुत शानदार रश। तो भैया, यहाँ जो है बहुत भस्मक भीड़ मिलेगी और बहुत सेंसेशनल बीच है। यहाँ का जो टीटोज लेन है उसको भी मैं आज रात में कवर अप करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। ये बीच है बहुत ज़्यादा भीड़ वाला, जैसे मैंने कहा था कि फैमिली बीचेस जो अभी अपनों ने देखे हैं उससे बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। तो बहुत सेंसेशनल बीच एंट्री पे ही आपको भीड़ का नज़र आ जाएगा। मैंने गाड़ी तो लगाई है, बहुत सारी दुकानें, बहुत सारी शॉप्स, बहुत बिजी बीच, बहुत बिजी। मैं भीड़ से निकल के साइड में आने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा। बहुत सारा स्ट्रीट फूड, वाइड एंगल कैमरा लगाऊँ क्या? ये देखो आप, क्या रश, क्या रश। हाँ, तो पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट, और पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट। बहुत सारे रेस्टोरेंट शेल्स यहाँ पर, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और शेल्स यहाँ पर। और ये देखो, यहाँ पे ये जो टेंट्स लगे हुए हैं, इनमें रात के समय डिनर्स अवेलेबल रहता है। यहाँ पे सैम्स और कई सारे रेस्टोरेंट है जो फेमस है। पिछली बार मैं जस्ट बीच के आगे ही आके मैं कैंडल एंड डिनर कर चुका हूँ। यहाँ पे आपको हुक्का बार्स मिल जाएंगे बहुत ज़्यादा। वो देखो बागा बीच ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। देखो रश, जैसा मैंने कहा था कि दिस इज़ नॉट, इतना शांत नहीं है या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और दूसरे बीचेस के कंपैरिजन में आप कुछ भी परचेसिंग करोगे, खाओगे पियोगे, कॉस्टली भी है बट वर्थ है। खुशी के आगे इन्जॉयमेंट के आगे खुशी आगे। और ये यहाँ के जो रेत है वो भी बहुत शानदार है, बहुत शानदार यहाँ पे रेत भी है। और भैया भीड़ देखो, मज़ा आएगा आपको, मज़ा। यहाँ सिटिंग एरिया दूसरे बीचेस की कंपैरिजन में, दूसरे बीचेस के कंपैरिजन में यहाँ पे सिटिंग एरिया भी महंगा है। वैसे तो ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ में काम हो जाता है, ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ में काम हो जाता है। और ये देखो बागा बीच में, बागा बीच में पानी बहुत आगे तक आ रहा है। फिर सॉइल देखो कितनी फाइन है, क्राउड देखो, रश। और बीच के बीच में बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स भी हैं यहाँ पे, बट हाँ एज यूजुअल ये जो वाटर स्पोर्ट्स हैं काफ़ी महंगे हैं यहाँ के, थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है यहाँ पे बिकॉज ऑफ द क्राउड। देखो भैया रश देखो, है बागा बीच का नज़ारा अलग ही। ये देखो ये वाटर स्पोर्ट्स के लिए खड़े हैं, सामने बागा बीच लिखा है, ये बागा बीच। इट्स बहुत मज़ेदार प्लेस है भैया, बहुत मज़ेदार। वाटर भी यहाँ का थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, पानी भी अच्छा है,
पानी भी ऊपर तक आता है। ये देखो लास्ट तक देखो आप भीड़, ये देखो भीड़ आप वहाँ तक क्राउड देखो आप। बागा बीच में बहुत क्राउड है भैया, बहुत क्राउड है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार नज़ारे। तो फ्रेंड्स आया मज़ा बागा बीच को देख के। मैंने कहा था ना कि भैया बहुत ज़्यादा रश मिलेगा आप लोगों को, तो ये देखो ये क्राउड, ये रश बागा बीच में हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा। पानी भी, ये पानी भी बहुत कूल है, पर रेत बहुत ज़्यादा फाइन है यहाँ की। पानी कूल है, रेत भी बहुत बढ़िया फाइन है। यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी बहुत सारे हैं, वाटर स्पोर्ट्स काउंटर यहाँ पे लगे हैं, वाटर स्पोर्ट्स काउंटर भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स काउंटर लगे हुए हैं यहाँ पे। देखो भैया बागा बीच बहुत शानदार, बहुत शानदार व्यू, लहरें, पानी, यहाँ लोग बहुत मस्ती करते हैं, बहुत सारे लोग मस्ती कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मस्ती कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट है, बहुत ज़्यादा। तो भैया बहुत शानदार, नहीं कैलंगट पे चलना है अभी, बहुत शानदार, बहुत शानदार माहौल। ज़ारा ज़िद कर रही है लोगों को देख के कि मुझे यहाँ गीला होना है, बट क्योंकि कैलंगट भी जाना है इसलिए मैं इसको अलाउ नहीं कर रहा। बाकी देखो भैया नज़ारे, नज़ारों का मज़ा लो, और ये पानी बहुत शानदार ठंडा पानी, क्या माहौल है भाई। लोग बड़े बहुत इंजॉय कर रहे, बहुत इंजॉय कर रहे भैया, बहुत सबसे सेंसेशनल बीच, बहुत सेंसेशनल, बहुत सेंसेशनल बीच है ये, है बीच द क्राउडेस्ट बीच ऑफ द गोवा, इसे क्राउडेस्ट बीच ऑफ द गोवा बोला जाता है, सबसे ज़्यादा क्राउडेड बीच है ये, क्राउडेस्ट बीच। तो फ्रेंड्स ये देख लो भैया माहौल, थोड़ा इधर की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, पानी के अंदर से बढ़ते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। एक्चुअली क्राउड इतना ज़्यादा है कि ऑटोमेटिक मज़ा आने लग जाता है, लोगों को मज़े करते हुए देख के, लोगों को मज़े करते हुए देख के खुद ही मज़ा आने लग जाता है कि लोग इतना खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो खुद का भी मन होता है, जेलस फील होता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये शूट करने के बाद मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा, ये शूट करने के बाद मैं करूँगा। तो भाई देखो मज़े भैया लोगों के, बहुत बिजी बीच है, बहुत बिजी। तो मैं भी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर लूँ, ये क्या F5 की लगा रखी है मैंने। तो फ्रेंड्स बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत बीच, बहुत ज़्यादा मस्ती वाला बीच है, इसे बोलते हैं बागा बीच। देखें आप क्राउड, क्राउड पीछे देखें, भयंकर क्राउड, भयंकर क्राउड है, बहुत ज़्यादा भयंकर क्राउड, बहुत मज़े कर रहे हैं लोग, सेंसेशनल, अच्छा बीच है, क्राउड है, पानी पानी ठंडा है यहाँ का, अच्छा है पानी, ठंडा है और अच्छा है। और देखो आप क्या ले रहे, उठ रही है बागा में, मज़ा आ गया भैया, अरेबियन सी है ये। ये कैलंगट, ये बागा बीच जो है इसके यहाँ पे बाहर, ये देखो आप बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, शेल्स बोलते हैं इनको, आप कहीं भी बैठ के रात में कैंडल लाइट डिनर कर सकते हो। ये सारे के सारे यहाँ बार है, रेस्टोरेंट्स है, अगर आप ड्रिंक करते हो, अल्कोहल्स लेते हो, तो फिर तो भाई मैं कई बोलूँ, आप लोगों के लिए तो जन्नत है, मैं तो शुद्ध शाकाहारी आदमी। तो फ्रेंड्स बहुत शानदार मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, लोगों को मज़ा देखते हो, खुद भी मज़ा करते हो, बहुत मज़ा आ रहा है। तो एक बहुत सेंसेशनल बीच,
एक बहुत शानदार बीच, लोग बहुत मज़े कर रहे हैं यहाँ पर, पानी भी बहुत दूर तक आ रहा है। तो ये जो बीच है, वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट बीच है बागा बीच, जैसा नाम है, बाघ की तरह है, शेर की तरह है भैया। ये देखो आप पीछे का व्यू, देखो आप। तो फाइनली फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू कमेंट और शेयर ज़रूर करना। प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो, इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करना, लाइक करना, और क्या आप बागा बीच आने का प्लान कर रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताना। तो अब तक के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स, आपसे बहुत जल्दी मिलूँगा मैं बागा बीच, जैसे ही कैलंगेट बीच को भी कवर करके और इस गोवा की जर्नी के नए एक वीडियो को और आपके सामने लाऊंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, एक्सप्लोर विद दर्शन।